अब बात करते हैं इनर्सिया एंड द मास। ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस टू बी रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूस टू बी इन द मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्सिया। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यू अपना रेस्ट बनाए रखना चाहिए, या कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यू अपना मोशन बनाए रखेगी, इसको क्या बोलते हैं? इनर्सिया बोलते हैं। द इनर्सिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाई द मैग्नीट्यूड फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। यानी क्या, द इनर्सिया ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाई द मैग्नीट्यूड फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। तो इनर्सिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनर्सिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, मान लो कि एक गाड़ी अगर आ रही है बहुत स्पीड से आ रही है और मैं उतना फोर्स नहीं लगा सकता उसको रोकने के लिए, मैं उसके आगे जाऊंगा तो क्या होगा? वो मुझे मेरे ऊपर से चली जाएगी। यानी क्या, मेरा फोर्स जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरा कम है उसके तुलना में, तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूं, यानी मैं उसका जो मोशन है उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, तो यानी कि उसका मोमेंट मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। ओके, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में इनर्सिया ऑफ मास डिपेंड, इनर्सिया डिपेंड करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ हेवियर बॉडी इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द लाइटर बॉडी। ठीक है, तो एक आपसे बात करूं कि आपको ज्यादा फोर्स लगेगा किसके लिए? हेवियर बॉडी के चेंज करने में, और लाइटर बॉडी को चेंज करने में क्या लगेगा? कम फोर्स लगेगा। यानी क्या होगा? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ओके, सो द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। ओके, ऑफ इट्स इनर्सिया। यहां पे क्या है, आगे पढ़ते हैं, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी किसका एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान रखो। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम ऑफ बॉडी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मोमेंटम ऑफ बॉडी आप फाइंड आउट करोगे इसका प्रोडक्ट का, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, यानी सॉरी मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी किसी बॉडी का मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपको मैं बात करूं तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम वी, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, m is the mass of the body and v is the velocity of the body। यानी p equal to mp जो तो फॉर्मूला होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और kg मीटर पर सेकेंड, और kg मीटर पर सेकेंड आपका जो है इसका एग्जांपल है। अब सॉरी इसका यूनिट है। ओके, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी जीरो, सो इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। याद रखना, अगर बॉडी रेस्ट में है, यानी बॉडी का वेलोसिटी रेस्ट है, तो क्या होगा? वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जीरो होगा। मोमेंटम जो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास कुछ भी रहे मोमेंटम जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी कर दो तो जीरो ही होगा ना। ए ट्रक मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ पाथ बिकॉज ऑफ द हेवी मास ऑफ द ट्रक। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, कोई ट्रक आ रहा है सामने से, मैं उसको जाकर रोकूं और मेरा जो वो हेवी मास है मैं उसको रोक नहीं सकता हूं, तो क्या होगा? मेरे को किल कर देगा, मेरे ऊपर से चला जाएगा। ए बुलेट ऑफ ए स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, सो द इम्पैक्ट ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। तो क्या, अगर मैं बुलेट ऑफ ए स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब अगर स्मॉल मास है, एक बंदूक की गोली का जो मास तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है जो है ये पर्सन को किल कर सकती है। सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी केवल मास नहीं, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अब बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। अच्छा, ये जो वीडियो है आपको दो पार्ट में मिलेगी, ये वीडियो पूरा का पूरा एक पार्ट में नहीं मिलेगा, दो पार्ट में मिल रहा है। तो अगर आपको पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा पार्ट अभी आपको मिल जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी क्या चीज, अगर हम बात करें तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। ओके, मैथमेटिकल अगर आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन बता दूं, तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास एम इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी यू एंड एक्सेलरेटेड टू द वेलोसिटी वी एंड टाइम टी अप्लाइंग फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? P1 इक्वल टू एम यू, और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv, और mu मतलब क्या? इनिशियल, u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, और v मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ओके,
तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम यहाँ पे क्या बैठ रहा है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से दो तो क्या एम बी माइनस यू बाई टी बैठेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा एम बी माइनस एम यू, और यहाँ पर बात करते क्या होगा एम बी माइनस एम यू बाई टी होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके अब चलिए आगे था बढ़ते हैं, तो आगे अगर मैं यहाँ बात करूं तो ऑन द अप्लाइड फॉर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम बी माइनस यू बाई टी और एफ इक्वल टू के एम बी माइनस यू बाई टी और बट बी माइनस यू इक्वल टू टी, क्यों आपका ए इक्वल टू ए, यानी क्या जब ए इक्वल टू क्या होता है बी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझ, यहाँ पे आप देखिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको आप डाउनलोड करके वीडियो को आप रुक के देख सकते हैं। तो सो एफ इक्वल टू क्या हो गया के एम ए, क्योंकि एम बी ए बी माइनस यू बाई टी का क्या होता है वैल्यू ए होता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए हो गया, एम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ और के ऑलरेडी यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंट है, के जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा यहाँ पे के बैठता है, तो इफ और के जब हटेगा तो क्या होगा एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एसआई यूनिट ऑफ द मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो द यूनिट ऑफ द फोर्स इज केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, इट इज अ सिंबल इज एम। तो ए हो गया हमारा। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। यानी क्या कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बोलता है कि कोई भी अगर मान लो यहाँ पे स्प्रिंग है, अगर दोनों तरफ से अगर मान लो एक फोर्स लगाया जा रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा। ओके तो यहाँ पे अगर आपसे बात हो, अगर मान लो कि स्प्रिंग को आप टांग रहे हो अपने तरफ टांगे छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये आपके तरफ भी आएगा फिर उधर भी जाएगा फिर इधर आएगा, एक रिएक्शन आपको देगा, आपके हाथ पे हल्का सा चोट लगेगा। टेक टू स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी कनेक्टेड टुगेदर, फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस टू बी रिजिड सपोर्ट, वेन अ फोर्स इज अप्लाइड बाय द पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस शो द सेम रेटिंग्स, this so that the force exerted by the spring balance A and B is equal to an opposite direction। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर आप इसको टान दो और इन दोनों के हुक से टान दो तो क्या होगा, एक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में बताइए, अगर मान लो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस हो गया, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो स्प्रिंग में, तो उसमें आप उसमें किसी को लटका दो तो क्या होगा उसका वेट पता चलेगा, तो अगर आप दोनों को इसको टान दो तो क्या होगा, जिसमें जितना यहाँ पे होगा रीडिंग होगा सेम रीडिंग होगा। क्यों, यानी जितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेम फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। आगे इसको अच्छा से समझाते हैं आपको मैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट एग्जर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन एंड द गन रिकॉइल्स। अब मान लो यहाँ पे गन किसी ने फायरिंग किया तो क्या होगा, लेकिन बोलते हैं ना पीठ पे रख के किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने से क्या होता है, जब अगर वो बंदूक चलाता है अगर वो कमजोर रहेगा तो खुद भी गिर जाएगा, याद रखना। दूसरी बात, अगर एक सेलर जंप्स आउट ऑफ अ बोर्ड ही एग्जर्ट्स अ बैकवर्ड फोर्स ऑफ द बोर्ड एंड द बोर्ड एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर एंड सेलर जंप्स, अगर आपसे मैं बात करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक्शन अगर आप दोगे तो जैसे ही अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे कूद के ऊपर जा सकते हो, तो जंप्स आप फॉरवर्ड आप आगे की तरफ कूद सकते हो, तो अगर आपका एक्शन अगर नीचे बोर्ड पे लगाते हो तो रिएक्शन कहाँ होगा, आप वहां पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल तो आप लोग समझाने की कोशिश की, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल भी है, अगर आप एक बलून को छोड़ दो फुल करके छोड़ दो तो क्या होगा, बलून ऊपर चला जाएगा और उसके तो उससे क्या होगा कि बलून में एक्शन हुआ, नीचे एक्शन हो रहा है जो कि हवा एक नीचे पीछे की तरफ थोड़ा रिएक्शन क्या रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। रॉकेट में भी सेम होता है भाई, रॉकेट में भी क्या होता है एक्शन क्या होता है, नीचे आग जो छोड़ती है उसमें जो हाइड्रोजन की जो गैसेस होती है जो नीचे आती है तो एक्शन नीचे होती है रिएक्शन क्या होता है ऊपर होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा स्लो करके पढ़ते हैं आपके लिए हम, द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन, अगर आपसे बात करूं कि दो ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन प्रोवाइडेड, अगर आप दोनों को अगर जो दोनों कोलाइड करता है दोनों आपस में जब टकराता है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
दिस मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कॉलिजन. यानी क्या होता है जब दोनों ही बॉडी आपस में टकराती है तो क्या होता है, कोलाइड करती है तो क्या होता है, उनका जो ऑब्जेक्ट्स का जो वो चेंज हो जाती है, कोलाइड होती है. इफ टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड बी ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, इफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, देयर टू बॉल्स विल कोलाइड विथ ईच अदर ड्यूरिंग द कोलिजन एट अ टाइम टी. बॉल ए एग्जर्ट्स अ फोर्स, बॉल ए एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी एंड बॉल बी एग्जर्ट्स अ फोर्स बी ए. इफ बी एंड बी 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 आर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स ए एंड बी आफ्टर कॉलिजन द मोमेंट ऑफ द, यानी अगर यहाँ पे मैं अगर थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँ तो यहाँ पे अगर मान लो दो बॉल है जिसका मास एम ए और एम बी है और इन दोनों का जो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू ए और यू बी, यानी यू ए जो है मतलब उसका इसका स्पीड ज़्यादा है ए का वैल्यू का और बी का जो है कम है, तो इसका क्या यू ए ज़्यादा है और ई क्या यू बी जो है कम है. अब ये दोनों अगर आपस में कोलाइड करेगा तो आप इसका वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी आपस में जो है ऑब्जेक्ट जो है वो अनचेंज रहेगा और दोनों का आपस में जुड़ जाता है. ओके तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ देना, जो जैसे पूछना पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे आप पूछोगे कमेंट में पूछना कमेंट में बता दूंगा, अगर मैसेज करके पूछोगे तो मैसेज में बता दूंगा व्हाट्सएप में. ओके थैंक यू.